हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था और मैसेज भी भेजा था टेलीग्राम ग्रुप में कि आज पॉलिटी के इस खास चैप्टर पे प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में आपका अच्छे से तैयारी हो, आपका रिवीजन अच्छे से हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसके हिसाब से 15 जून से यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की खुलेंगी, तो ये इस बात का आप ध्यान रखो। जब ये न्यूज़ मेरे पास कंफर्म हो जाएगी तो मैं इस पे वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो अब तो वक्त रहा नहीं, आपको अब अपनी तैयारी फास्ट करनी चाहिए, बहुत जल्दी करनी चाहिए। तो मैंने 20 प्रैक्टिस सेट पहले ही ला दिए हैं, और इससे पहले जो 19 प्रैक्टिस सेट हैं वो आप किसी भी चैनल पर BHU एंट्रेंस पॉइंट या वन डे एग्ज़ाम पॉइंट दोनों में से किसी पे जाके उस बाकी के प्रैक्टिस सेट को एक दिन बैठिए, दो दो घंटे के दो शिफ्ट में, और सब प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और आपको पता ही है, इस प्रैक्टिस सेट के साथ हम अलग से इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं एक्स्ट्रा। अगर आप 20 क्वेश्चन लगाते हो तो इसके साथ हम लोग 200 से 300 अलग से फैक्ट्स रिवीजन करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ एक वीडियो में हो जा रहा है। तो वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को आप यहाँ से भी PDF में क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी नीचे लिंक भी है। दोस्तों, हमने आज टाइम टेबल बहुत पहले ही डाला था, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। एक प्रॉपर टाइम टेबल है चैनल पे, दोनों चैनल पे। अगर आप पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो वन डे एग्ज़ाम पॉइंट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पहले वीडियो सारे आते हैं। और ये हमारा फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं कुछ भी, जो चाहें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो की PDF चाहिए तो वन डे एग्ज़ाम पॉइंट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। अब ये DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत चीज़ों को शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये किस देश से लिए गए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता होगा उसकी वीडियो इस चैप्टर की मैंने लिंक टेलीग्राम में शेयर कर दी थी। तो ये जो है देश है आयरलैंड, आयरलैंड से ये लिया गया था। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, उसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। अब आयरलैंड से तो DPSP लिया गया है, लेकिन इससे और क्या चीज़ें ली गई हैं? तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, कितने मेंबर्स का होता है, तो वो होता है 12 सदस्यों का। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। और क्या लिया गया है अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ऑप्शन ए रूस, जापान, अमेरिका और आयरलैंड। बताइए चारों में से राइट आंसर कौन होगा। मैं आपके लाइव कमेंट देख रहा हूँ, और साथ ही साथ देखता हूँ किसका बेटर परफॉर्मेंस होता है। जिनका भी बहुत अच्छे से आंसर सही होगा, स्कोर ज़्यादा होगा, और फाइनल में मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका भी जो लोग सही आंसर देंगे उनका कमेंट मैं पिन करूंगा, जो कि ऊपर हाईलाइट होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जो लोग मेरिटोरियस हैं वो ज़रूर करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से, मैंने बताया 3 चीज़ें आयरलैंड से, 2 ऊपर बताई थी, 1 नीचे। अब बात करते हैं जापान के देश से क्या लिया गया है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, अब ये क्या होता है? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापानी संविधान से, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? शिंजो आबे, और अभी मसात्सुगु आसाकावा जो कि ADB के हेड बने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वो कहाँ से हैं? तो वो भी जापान के हैं। अब आते हैं रूस से, रूस से क्या क्या लिया गया है? देखिए, रूस से जो चीज़ें ली गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ली गई हैं। तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे USSR पहले कहते थे, उससे फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। आइडियल ऑफ जस्टिस, मतलब जो आइडिया है जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस, प्रियम्बल में ये लिया गया है रूस से। तो ये जो चीज़ ये तीनों ली गई हैं, ये 1976 में इंक्लूड किया गया हमारे संविधान में। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और आपका शायद तो कुछ नहीं जाता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर के क्वेश्चन 2 नंबर हमने देख लिए, तीसरा क्वेश्चन हमें देखना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, रूस, चीन और जापान। तो रूल ऑफ लॉ बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और AV डाइसी ने ये फॉर्मूला दिया था, ये ब्रिटिश जूरिस्ट थे, और ये प्रोसेस भी जो है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ब्रिटेन, UK, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, आप सबको एक मत समझिएगा, ठीक है। और ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री, आपको पता ही है, दुनिया के अधिकतर देशों को इन्होंने गुलाम बनाया था, और इन्होंने भारत को भी संविधान दिया, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो आइए लाइन से देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम इन्होंने दिया, रूल ऑफ लॉ दिया,
लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दिया, जो विधायी कार्य जो होते हैं हमारे, सिंगल सिटीजनशिप दिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम दिया इन्होंने, प्रीरोगेटिव रिट्स, जो रिट होते हैं वो रिट नहीं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, प्रीरोगेटिव रिट्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को होते थे वो उसकी बात हो रही है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो कुछ प्रिविलेज होता है ये भी दिया गया है उनको, और बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये दोनों लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके मोटिवेट कीजिए, और इस चैनल को कम से कम 5 लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है, एक हैबिट दे लिए कि जो भी इंपॉर्टेंट लोग हों जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करना चाहते हैं, उन्हें ये चैनल ज़रूर रेफर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इज टेकन फ्रॉम, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ ये किससे लिया गया है, रशिया, चाइना, जापान और अमेरिका, तो बताइए। ये तो मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, देखते हैं फिर भी कितने लोगों का सही होता है, मैं लाइव देख रहा हूँ। तो ये है जापान। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, डेली लाइव 3 PM में 3 बजे पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट लगती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डेली 3 बजे आप अलार्म, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वहाँ इस चीज़ को लगा लें। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम, राज्यसभा के मेंबर्स की जो इलेक्शन होती है, आपको ये पता है ना कि 12 जो है नॉमिनेशन वो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन की बात हो रही है, दोनों दो चीज़ें हैं, ये किस देश से लिया गया है, ये भी काफ़ी लोगों की गलत होगी, मैं पता है मुझे, तो बताइए, देखते हैं। ये है रशिया, चाइना, जापान या फिर साउथ अफ्रीका, तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। और क्या लिया गया है हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों लिखा है, लेकिन जिसमें हिंदी की जरूरत नहीं है उसमें मैंने नहीं लिखा है। संविधान की सुधार की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से, कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम, तो मैंने इसका भी आंसर बताया था, जर्मनी, रूस, चाइना या जापान, कौन है इसका राइट आंसर, तो ये राइट आंसर है इसका, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये लिया गया है रूस, जापान या फिर जर्मनी, तो ये है जर्मनी, जर्मनी की जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी के संविधान के नाम क्या है, वाइमर, यहीं से ये लिया गया है। जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वीमैन हैं। नेक्स्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सपोर्ट करके ज़रूर करें, शेयर करके। रूसिया, चीन, चीन से हमारे देश में कुछ नहीं लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है आप देख ही चुके हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और जर्मनी जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो जर्मनी की जो भी राजधानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या लाइव भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा इंटरवेंशन हो जा रहा है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी ये कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, USSR, जापान, रशिया, जापान, फ्रांस और अमेरिका, फंडामेंटल ड्यूटी, तो ऑप्शन भी ऐसे ही आते हैं, तो ये ऊपर ही बताया था, इसका जो है राइट आंसर होगा USSR, USSR मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सोवियत रशिया, इसकी फुल फॉर्म होती है USSR की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम, आपको पता है 3 तरह के लिस्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इस पर मैंने बहुत ही बेहतरीन एक दिन के प्रैक्टिस सेट में बताया भी था, तो अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आपको याद भी होगा, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में तीनों लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट हैं इसको ले लीजिए, क्योंकि इस बार पूछा जाएगा। क्वारंटाइन फैसिलिटी, क्वारंटाइन फैसिलिटी किस लिस्ट में है, ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया है, तो अगर आपने नहीं लगाया है पिछले के 2-3 प्रैक्टिस सेट, जो भी जितने भी आपके छूटे हुए हैं उसको ज़रूर लगाइए। तो कंकरेंट लिस्ट जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक चीज़ मैं दोस्त कहना चाहूँगा, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटी पे डिपेंडेंसी उनकी ख़त्म हो जाएगी बुक से, क्योंकि उन्होंने पढ़ भी लिया है, उन्होंने प्रैक्टिस भी कर लिया है, तो वो एटलीस्ट 50 मार्क्स आगे हैं, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 मार्क्स तो पहले ही आगे हो गए, तो इसलिए आपको ज़रूरी है, कॉम्पिटिशन टफ है। ठीक है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इज टेकन फ्रॉम, कंकरेंट लिस्ट तो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी ये कहाँ से लिया गया है, तो ये बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, ये है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से,
फ्रेंच संविधान से लिया गया है, रिपब्लिक शब्द, दूसरा आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, और एक और आपने देखा था मतलब बंधुत्व, समानता और न्याय, ये तीनों चीज़। और एक अलग से चीज़ थी आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बात की गई थी, ये लिया गया था रसिया से। तो दोनों में डिफरेंस है, फ्रेंच में, फ्रांस में आप क्लियर कर लीजिए अभी, फ्रांस वाले में क्या क्या है, रिपब्लिक है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता और बंधुता, और रशिया में जो है उसमें किसकी बात की गई है, तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सॉरी जस्टिस की बात रशिया में की गई है। कैसी जस्टिस, तो सोशल मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, इम्पीचमेंट आप समझ रहे हो महाभियोग की बात हो रही है, रशिया, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। तो जिन लोगों ने भी मेरा वो वीडियो देखा होगा, मैंने ट्रिक के साथ बताया है कि कैसे किस चीज़ को याद करना है, तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए और फिर से इसको प्रैक्टिस करिए, आपके 20 में 20 मार्क्स सही होंगे क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक बताया है। तो महाभियोग की प्रोसेस ली गई है अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। और क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया है, राइट याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों लिया गया है अमेरिका से ही, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और भी जो इम्पीचमेंट होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की भी इम्पीचमेंट और रिमूवल प्रोसेस, ये सब लिया गया है अमेरिका से। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी लिया गया है अमेरिका से। तो आई होप आपके रिविजन अच्छे हो रहे हैं। कैबिनेट सिस्टम इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया गया है, मैंने इसका आंसर तो ऊपर ही बताया था, जिन लोगों ने भी ध्यान से सुना होगा उनका सही होगा। तो बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कैबिनेट सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फेडरेशन स्टाइल इज टेकन फ्रॉम, भारतीय संघीय व्यवस्था, ये जो थोड़ा अलग टाइप का व्यवस्था है, ये किस देश से लिया गया है। फेडरेशन और भी देशों में है, बहुत सारे देशों में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, लेकिन भारतीय फेडरेशन जो है वो लिया गया है किस स्टाइल से, कनाडा, रशिया, जापान या फिर चाइना। तो यह है कैनेडियन फेडरेशन, और इसकी कुछ अपनी खासियतें हैं। इसका सबसे पहला खासियत है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो क्वेश्चन में ये भी आया है कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर। अब देखिए क्या होता है, कुछ पावर जो हैं केंद्र को दिए गए हैं, कुछ को दिए गए हैं राष्ट्र राज्यों को, और कुछ कंकरेंट लिस्ट में है। इसके अलावे भी कोई सिचुएशन और कोई केस उत्पन्न होता है तो ये सब पावर दिया गया है सेंटर को। तो ये कहाँ से लिया गया बात, ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट अगर बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंटर, देखिए गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस ली गई है कनाडा से, मतलब उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा ये प्रोसेस, और गवर्नर का जो पोस्ट है ये लिया गया है अमेरिका से, सॉरी गवर्नर के पोस्ट जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब उसका जो है ऑफिस कैसा होगा ये लिया गया है 1935 के एक्ट से, और इसका अपॉइंटमेंट कैसा होगा ये लिया गया है कनाडा से। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए और हर चीज़ को समझिए। कोविड 19 फैला हुआ है तो इससे जो है आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है। बहुत लोग हैं दुनिया में, मैंने इस पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया है, आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से देख सकते हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का मनोनयन, वहाँ इलेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ मनोनयन की बात हो रही है। देखते हैं, ये भी मैंने ऊपर आंसर दिया है, कितने लोगों को याद है। तो ये जो है ऑप्शन एक, आयरलैंड, जापान, रशिया और चीन, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। 14 नंबर क्वेश्चन का एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। फेडरेशन फेडरल स्कीम इज टेकन फ्रॉम, संघीय शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये तो बहुत अच्छी एक प्रश्न है और ये काफ़ी लोगों का सही भी होगा, 1935 के एक्ट, नेपाल, जापान या ब्रिटेन, लेकिन काफ़ी लोगों की गलती भी हो सकती है। तो फेडरल स्कीम, हमारा जो फेडरल स्कीम है ये 1935 के एक्ट में जो बात की गई थी, जिस पे मैंने तीन पार्ट में वीडियो भी बनाया है,
कौन से एक्ट से क्या लिया गया है, इसमें तीन पार्ट में मैंने वीडियो भी बनाया है, उसके पीडीएफ भी दे दिए हैं टेलीग्राम में, ठीक है। और जिनको भी ज़्यादा पीडीएफ चाहिए वन डे एग्ज़ाम पॉइंट की टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये फेडरल स्कीम लिया गया है, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विथ सेंटर है ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज, ये कहाँ से लिया गया है? तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज लिया गया है, बताइए इसकी अध्यक्षता कौन करता है ज्वाइंट सिटिंग की? तो ये करते हैं लोकसभा के स्पीकर। देखते हैं कितने लोगों का सही, तो जापान, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलिया या रसिया, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। दो सदनों की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको हेड करते हैं कौन से, तो लोकसभा के स्पीकर। ज्वाइंट सिटिंग की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो ये बात की गई है आर्टिकल 108 में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में लिया गया है। दोस्तों सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और एग्ज़ाम एक दिन होगा, आपका रिजल्ट भी होगा। मेरे चैनल पे जितने भी लोग कंटिन्यू व्यूअर हैं उन सबका रिजल्ट होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मन से पढ़िए, मन से प्रैक्टिस कीजिए। सिंगल सिटीजनशिप इज़ टेकन फ्रॉम, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, मैंने ऊपर ही बताया था। रशिया, जापान, अमेरिका के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इज़ टेकन फ्रॉम, ये काफ़ी लोगों के गलत होने की संभावना है, लेकिन देखते हैं हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है। तो ये प्रक्रिया जो ली गई है ये ली गई है यूनाइटेड स्टेट से, इम्पीचमेंट के थ्रू जो हटाया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है ये कहाँ से लिया गया है, इस पर मैंने अभी बताया था। ऑप्शन देखते हैं, आयरलैंड, अमेरिका, जापान और चाइना, तो ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा अमेरिका, 2 राइट आंसर होगा। अब लास्ट में मैं डेली आपके लिए एक वीडियो रखता हूँ, एक क्वेश्चन रखता हूँ जिसका आप जवाब दें, नहीं पता है तो सर्च करें, पढ़ाई करें और अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएं। तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविज़न इज़ टेकन फ्रॉम, हमारे देश में जो इमरजेंसी प्रोविज़न लगाया जाता है ये किस के लिया गया, किस देश से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919 के एक्ट, 1909 के एक्ट एंड अमेरिका, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा विथ फुल डिटेल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।